2024 के पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का कैनाइन या केनाइन डॉग स्क्वाड पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी कवर का पार्ट होगा और स्पेशली ट्रेन्ड केनाइन डॉग स्क्वाड को अपने हैंडलर्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स के वेन्यूज में पेट्रोलिंग ड्यूटीज के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। इंडियन एम्बेसी ऑफ फ्रांस ने इंडियन गवर्नमेंट को पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स की सिक्योरिटी कवर को बढ़ाने के लिए इंडिया की स्पेशलाइज्ड एंटी एक्सप्लोजिव यूनिट प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें केनाइन डॉग्स और उनके हैंडलर्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। फ्रांस की इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में इंडिया ने 10 केनाइन डॉग्स को सिलेक्ट किया, जिनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG से चूज किया गया, जिनके साथ 17 पुलिस पर्सोनल भी अटैच्ड हैं। इंडियन केनाइन कंटिंजेंट के जो ये 10 डॉग्स हैं जिनको सोल्जर का दर्जा दिया जाता है, ये 3 ब्रीड से हैं। पहला बेल्जियन मेलिनॉय, दूसरा जर्मन शेफर्ड्स और तीसरी ब्रीड है लेब्राडोर रिट्रीवर। बेल्जियन मेलिनॉय ब्रीड के 6 डॉग्स, 3 जर्मन शेफर्ड्स और 1 लेब्राडोर रिट्रीवर इस स्क्वाड में शामिल हैं। हर केनाइन सोल्जर को एक्सटेंसिव 10 वीक्स के स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस और ट्रायल्स के बाद ही सिलेक्ट किया गया है और हर डॉग को उसकी यूनिक कैपेबिलिटी के आधार पर ही चुना और डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही केनाइन के हैंडलर्स यानी के पर्सोनल्स को भी डिप्लॉयमेंट से पहले एक रिफ्रेशर फिजिकल ट्रेनिंग और फ्रेंच लैंग्वेज का बेसिक कैप्सूल प्रोवाइड किया गया था। बेल्जियन मेलिनॉय को अपनी सुपर एजाइलिटी, शार्प माइंड, एंडोरेंस, ट्रेनेबिलिटी और एग्रेशन जैसी क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है। इसके बाद लेब्राडोर को स्पेशली स्निफिंग पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे ही जर्मन शेफर्ड्स को उनकी अग्रेसिवनेस के कारण ऑफेंसिव ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया जाता है। बेल्जियन मेलिनॉय की बात करें तो ये अपनी क्वालिटीज़ की वजह से वर्ल्ड की स्पेशल फोर्सेस का फेवरेट डॉग है। इंडिया के मेलिनॉय की बात करें तो मेल्स की एवरेज हाइट 24 से 26 इंच और फीमेल्स की 22 से 24 इंच होती है और इनका वेट सेक्स के अकॉर्डिंगली 20 से 30 किलो के बीच लाई करता है। मेलिनॉय ब्रीड के डॉग स्क्वाड्स को इंडिया के तीनों इंटरनल सिक्योरिटी थिएटर्स, नक्सल अफेक्टेड एरियाज, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट्री पेट्रोलिंग और एंटी सेबोटाज स्निफर टास्क के लिए डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें बॉम्ब्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी के IEDs और अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिटेक्ट करने जैसे टास्क शामिल होते हैं। इसके अलावा इनको स्पेशली CRPF द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए बहुत बार यूज़ किया जा चुका है। इंडिया में इस ब्रीड को CRPF द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था और धीरे धीरे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लॉन्ग ऑपरेशंस के लिए ये एक फेवरेट और प्रेफर्ड ब्रीड बन चुकी है। CRPF डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु के ऑफिशियल्स का कहना है कि नक्सल एरियाज में ऑपरेशंस काफ़ी लॉन्ग होते हैं और कई दिनों तक चलते हैं, जिसमें लेब्राडोर्स और जर्मन शेफर्ड्स कॉन्टीन्यूसली बिना रुके सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही चल सकते हैं, बट बेल्जियन मेलिनॉय लगातार 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। मेलिनॉय को एक्सट्रीमली एजाइल और एग्रेसिव ब्रीड माना जाता है, बट कमांड्स को ये जर्मन शेफर्ड्स की तरह ही सुनते और फॉलो करते हैं। CRPF के पास करंटली 550 से ज़्यादा मेलिनॉय हैं और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अभी भी 500 मेलिनॉय की शॉर्टेज है। बेल्जियन मेलिनॉय का वर्ल्ड वाइड बड़े ऑपरेशंस में बहुत क्रूशल रोल रहा है, जैसे कि इसको 2011 में US नेवी सील्स के ऑपरेशन में यूज़ किया गया था, जिसमें अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। और तो और 2019 में जब ISIS लीडर अबू बकर अल बगदादी सीरिया में एक डार्क और डेंजरस टनल में छुपकर बैठा था, तो बेल्जियन मेलिनॉय ने ही उसको चेस डाउन किया था और डेल्टा फोर्स की रेड में मारा गया था। इसके अलावा NSG ऑपरेशंस, जो कि इंडिया के पठानकोट अटैक के टाइम पर चलाए गए थे, उस टाइम मेलिनॉय की मदद से फोर्सेस को एक टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में मदद मिली थी। बाकी ब्रीड्स के मुकाबले मेलिनॉय को इसलिए भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड के मुकाबले अपने स्मॉल साइज की वजह से पैराशूटिंग और एयरक्राफ्ट से फास्ट ड्रॉपिंग आउट के लिए भी आइडियल है, जो कि जर्मन शेफर्ड के केस में पॉसिबल नहीं है। 11 अगस्त तक चलने वाली इन ओलंपिक गेम्स में फ्रांस सिक्योरिटी के लिए हर दिन करीब 30,000 की पुलिस फोर्स डिप्लॉय करेगा। इंडियन कंटिंजेंट से एथलीट्स की बात करें तो इंडिया के 117 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स में इस साल पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार है कि इंडिया के K9 डॉग्स का स्क्वाड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन मिशन के लिए डिप्लॉय किया जाएगा।